ओफो, कितना टफ पेपर आया जिसके फीडबैक आप लोग हमको दे रहे हैं सीआईबी के हिस्ट्री में। इवन आईआईबीएफ की हिस्ट्री में इतना टफ पेपर कभी नहीं मिला। पता नहीं ये आईआईबीएफ वाले आपसे क्या चाहते हैं। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आप लोगों की इतनी मेहनत। अगर हम आज से 5 साल पीछे सीआईबी पे चले जाएं तो लोग दो दो घंटे में सीआईबी पास कर लेते थे पढ़ करके। आज दो दो महीने पूरा कोर्स डेवलप है, कंटेंट डेवलप है। मेरे अलावा 3 और 4 लोग भी और भी हैं जो सीआईबी से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, आपको कंटेंट दे रहे हैं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये फीडबैक मुझको न केवल व्हाट्सएप, यूट्यूब या SMS, इवन बहुत सारी कॉल मुझे सुबह से रिसीव हुई हैं, जिसमें बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो 45 क्रॉस कर पाए हैं। जबकि यही आंकड़ा जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं, नॉर्मली हर एग्जाम में एक एग्जाम के बाद 500 प्लस SMS या WhatsApp हमें रिसीव हो जाते हैं, बाकी ग्रेजुअली होते हैं। इस बार बहुत कम, मैं समझता हूं शायद 1% बच्चा भी BFM में 45 प्लस नहीं ला पाया। पता नहीं क्या IIBF की सोच है, वो क्या चाहता है। देखिए, मेरा प्रोफाइल आपने देखा होगा, उस प्रोफाइल में लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, बैंकिंग एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी, BEd एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस सब मिला के मैं अपनी वीडियोस में डालता हूं। तब भी मुझे बहुत निराशा हुई IIBF से। वो क्या आपसे चेक करना चाहते हैं, ये बहुत ही गलत है। मैं इसकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करूंगा। अगर आपको बच्चों से नॉलेज चेक करनी है तो पहली बात, जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं वो करिकुलम में दें। कहीं IIBF का सीधा सीधा मतलब बार बार बच्चों से एग्जाम करा के बहुत ज्यादा पैसे कमाना तो नहीं है। आपको शायद मालूम होगा 5 से 6 लाख बच्चे हर बार IIBF में इनरोल होते हैं एग्जाम देने के लिए, डिफरेंट सेंटर्स में ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट पेपर्स के लिए। तो ये IIBF का बिल्कुल भी एप्रिसिएट स्टेप नहीं है। बात रही क्या हम उसकी शिकायत कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप रेफरेंस मटेरियल बढ़िया, और शिकायत आज तक IIBF ने कभी सुनी नहीं। तो अब हम क्या पढ़ें, जितना स्ट्रेस हमारी बैंकिंग लाइफ में है इतना समय हम नहीं निकाल पाते, और जो पेपर आया था उसकी क्या रेलिवेंसी एक आम बैंकर को है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि जितने भी बैंक्स हैं उनके हेड ऑफिसेस हैं, उन हेड ऑफिसेस में जो बहुत की पोस्ट है वहां तो कुछ ऐसी चीजें जैसे हाई लेवल की बॉन्ड और या ट्रेजरी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेपर रहा। मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी क्योंकि वो पिछले 10 सालों से कारगर थी, इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ। और उल्टा क्या हुआ, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी टीचर या कोई भी फैकल्टी मेंबर इस पेपर से खुश नहीं होगा, इवन उसके बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी खुश नहीं होंगे। ये आप जनरल फीडबैक सब जगह देख सकते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी आप लोगों के हाथ में इतना पढ़ने के बाद कुछ इस तरह का निराशा हाथ लगी आपके हाथ, आप निराश होंगे, लेकिन उस निराशा को छोड़ दीजिए। अब रही बात की डिटेल को हम क्या करें। देखिए, मेरा बिल्कुल क्लियर कट कहना है, जिन बच्चों ने जिनका ABM या BFM एक भी पेपर क्लियर कट है उनको डिटेल जरूर देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए निकाल देना चाहिए। जिनका इन दोनों में से एक भी पेपर 45 प्लस मतलब 45 प्लस से नीचे रह गया है, यानी कि एग्रीगेट में कोई चांस नहीं है, तो वो लोगों से रिक्वेस्ट है वो एग्जाम देने जरूर जाए। 40 या 45 क्वेश्चन वो करके आए जो बिल्कुल आपको आते हैं, तो कब बिल्कुल नहीं लगा, इससे आपको अपनी एक्यूरेसी पता लगेगी। अगर आप 45 से नीचे अटेम्प्ट करके आएंगे तो पास होने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने फीस दी आप पेपर देने जरूर जाएं और निराश नहीं हो। ये जो है फीडबैक IIBF को जाएगा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाए। अदरवाइज जो हमारी बुक कहती है, मैंने बहुत से टफ टफ चीजों को उसमें समझाने की कोशिश करी थी, आमतौर पर जो आप जनरल बैंकिंग में वो समझ नहीं पाते हैं। तो आप लोग रिटेल के लिए यही करिए, जिन लोगों को एग्रीगेट का चांस है वही रिटेल को पास करने की कोशिश करिए, बाकी लोग केवल अपियर जरूर होइएगा। तो इसी के साथ मैं आपको रिटेल के लिए वो करता हूं, और डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने हमारा कोर्स लिया था उनके लिए कुछ हम एक्सटेंशन पॉलिसी लाएंगे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड, पर ये पॉलिसी सिर्फ BFM पेपर के लिए होगी, क्योंकि ABM का जैसा हमने सिलेबस था उस तरह से आया था पेपर, तो BFM में बहुत ही टफ हो गया, उसके लिए हम कुछ पॉलिसी निकालेंगे। बहुत ही मतलब आप ये के लिए पूरी फीस उनको नहीं देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ हम ऐसा निकालेंगे जिससे उनका कोर्स एक्सटेंड हो। और आप लोगों ने जो पढ़ा है इस
पढ़ाई को आप कंटिन्यू करिए, और कंटिन्यू करने के बाद इस जो ये फेस है, इस फेस को नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट अटेम्प्ट में इस तरह कन्वर्ट कर दीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और जो पेपर इस बार पैटर्न बदला हुआ, हो सकता है अगर वो पैटर्न हमें मिलेगा तो हम उसके वीडियोज भी डेवलप करेंगे। इसी के साथ आप लोग तैयारी कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।